हेलो, किसका वेट कर रहे हो आप सब? कृष्णा का? वो नहीं आने वाली। नहीं आई क्योंकि वो है गुस्सा। क्यों, किस बात पर? ये सब सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्यों गुस्सा है। आईफोन 14 के लिए? No. नहीं, अगर इस बात के लिए गुस्सा रहेगी तो पूरी जिंदगी भर गुस्सा ही रह जाएगी ना। वो गुस्सा है अपने लिए एक न्यू रूम लेने के लिए, घर नहीं सॉरी रूम लेने के लिए, क्योंकि उसको चाहिए एक न्यू रूम। वो शिवानी के साथ ये नहीं करना चाहती क्योंकि शिवानी उसको काफी तंग करती है, परेशान करती है, इसलिए कृष्णा नहीं चाहती कि वो उसके साथ एक ही रूम में रहे। वो चाहती है अपना नया रूम। मिलवाती हूँ कृष्णा से और हम कृष्णा के लिए क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नया रूम खरीदने चलते हैं। चलते क्या नया रूम खरीदा जा सकता है? आर यू क्रेजी? नो, हम कोई रूम खरीदने नहीं जा रहे, इसीलिए हम रूम खरीद नहीं सकते। तो हम रूम बनवा लेते हैं ना मिस्त्री साहब से कहकर, वो मानिए रूम बना देंगे। नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतना सारा काम करवा सके, ईटर ला सके, रोड़ी ये सब। ना, हम बहुत गरीब हैं। लेकिन कृष्णा के लिए एक नया रूम देंगे हम फ्री पढ़ने में। बहुत सारा सामान है जिसको मिलाकर हम कृष्णा के बनाने वाले हैं एक रूम। तो सबसे पहले कृष्णा को ये बता देते हैं कि हम उसके लिए रूम बनाने वाले हैं, ठीक है? और ये देखिए, आज हमने ट्विनिंग कर रखी है, एक से कपड़े पहन रहे। नहीं, नीचे मैं दिखाओ, नीचे ऊपर में रखा है एक जैसा। तो चलो कृष्णा को बताते हैं कि हम उसके लिए बनाने वाले हैं एक नया रूम। तो चलिए गेट सेट गो। कृष्णा, तुम्हें कुछ चाहिए? चाहिए मेरे को। तुम्हें कुछ बताना है मुझे। क्या? मैं तुम्हारे लिए एक रूम बनाने वाली हूँ। दीदी, मुझे सख्त जरूरत है उसकी, मुझे रूम चाहिए क्योंकि ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है और बहुत परेशान भी करती है। देखो, शिवानी ने एक भी मना नहीं किया कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती, इसका मतलब वो जान बूझ के करती है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपकी बहन जिंदा उल्टा हाथ में ला लो। और मेरी बहुत फिक्र है। हाँ, मुझे है। तो चलो हम बनाते हैं एक रूम। तो उठो तुम यहाँ से। क्यों? अरे, हम इसी से तो एक रूम बनाने वाले हैं, इसी से बनेगा एक रूम। अच्छा, मैं समझ गई, ठीक है, मैं भी आपकी मेहर। सो इंटेलिजेंट। मैं भी। तो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शादी व्लॉग। हमारा यहाँ पे सेटअप सेट, सॉरी रूम सेट, ये रूम सेट चला है यहाँ पे बहुत अच्छे से। देख, बताओ दीदी, कुछ बताओ कैसे सेट कर रहे हो आप? ये देखो गाइस, सेफ्टी पिन से यहाँ पे मैं इसको पिन कर रखी हूँ क्योंकि ये चादर बार बार अंदर जा रही है, इसलिए सेफ्टी पिन बहुत जरूरी है। सेफ्टी पिन बहुत काम आती है। सेफ्टी पिन से सेफ्टी दी जा रही है इनको। अभी अंदर दिखाओ। नहीं, अभी अंदर नहीं दिखाएंगे। ये देखिए, आप पे थोड़ा अच्छा खासा होता जा रहा है। हाँ, ये भी है, लेकिन हमें अभी आपको अंदर नहीं दिखाएंगे, सॉरी। अभी अंदर सेट करेंगे सब सामान, जब सेफ्टी पिन, फॉर योर सेफ्टी, ताकि छत आपकी जान पे ना गिरे, कृष्णा की जान पे ये छत ना गिर पड़े, उसके लिए सेफ्टी पिन का यूज हो रहा है। मैली दीदी चाय लेकर आ रही है। दीदी लाओ ना जल्दी। ओ कृष्णा मैली, टाइम, इसलिए आप सभी चाय पीजिए। क्या आपको पीनी है? ये हमारी शाम की चाय। दीजिए। तो हम चाय ब्रेक के बाद आ चुके हैं। चाय ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और हमने देखिए रूम का सेटअप कर लिया है। थोड़ा सा अंदर बेडशीट बिछा दी है। वाओ, इट्स सो रिलैक्सिंग। और इतना फैल सकते हैं, या इतना फैल सकते हैं, आराम से फैल सकते हैं। ये बनाया छोटी बहन के लिए, तो उसके साथ में एडजस्ट हो जाऊंगी। तो शिवानी कृष्णा करने लगे हैं बाहर की थोड़ी सी सजावट। चलिए आपको दिखा देती हूँ मैं। शिवानी कृष्णा, ओह, मैं आपको बैक कैमरा में दिखाती हूँ कि शिवानी कृष्णा क्या कर रही है। एक सेकेंड, ये देखिए, शिवानी कृष्णा ने पर्दे बनाए। एक गुड न्यूज आ गई, इसमें लगने वाला है बल्ब, जिससे इसमें हो जाएगी लाइट। मम्मी से लेके आ रही है लाइट, इसमें लगाएंगे हम। लाइट मम्मी ने लगा दी है, तो कृष्णा को हम रोक लेकर ढासू बनाई आप बताते हैं। 1 2 3 या बैक कैमरा प्लीज। ये देखिए लाइट, ये देखिए लाइटिंग। हम इसी का वेट कर रहे थे। मम्मी जी थैंक यू।
लग रही है यहाँ पे, इससे ऊपर पंखा चल रहा है। तो मैं यहाँ पर अकेली बैठी हूँ, पता नहीं शिवानी कृष्णा कहाँ भाग गई हैं, और मैं रूम में बैठी हूँ। ऑफ कोर्स वो कुछ सजावट का सामान लेने आएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये दिख रही है, ये इसीलिए अभी रुक के शिवानी कृष्णा को आने दो, तब बात करते। आ गई आ गई आ गई आ गई, आइए आइए आइए, हम आपके लिए लेके आए हैं पिलो, घर 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 लेके आए। अच्छा ये दोनों लेके आई हैं पिलो, चलो पिलो सेट करते। दीजिए दीदी आप सेट कीजिए, आप बड़ी हैं ना दीदी। अच्छा लग रहा है ना, ये मम्मी जी ने पसंद करके मंगाया था, ये कितना अच्छा है। इसको मैं पकड़ के बैठूंगी ऐसे, देखिए इसमें देखिए, अब हमारा छत तैयार है, वॉल तैयार है, बेड तैयार है, पिलो तैयार है, और बताइए सोने के लिए क्या चाहिए कुछ ना। मैं चाहिए मैं ही तो सेट करवाया है मैंने। मैं लगा रही हूँ प्लेस है ना, 1 2 3 4, कोई मिलना चाहता है मुझसे, कोई मिलना चाहता है। ये देखिए टोटो टोटो शिवानी का टोटो आ गया, छोड़ो टोटो आ गया शिवानी का, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। टोटो तुम यहाँ पर बैठो, टोटो तुम बैठो, कृष्णा की ड्राइंग सो क्यूट, ये बंदरिया की कलाकारी कृष्णा की। ये देखिए दीदी और कृष्णा ड्राइंग लगा रही हैं, और इन्होंने मेरे को इसमें से बाहर निकाल दिया, तू चल। ये लग चुका है हमारा घर, इसमें है लाइटिंग अंदर, और ये ऊपर से चादर डाल रखी है हमने। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पर्दे भी लगा दिए हैं, बेडशीट, और ये देखिए बेड तैयार है, दोनों पड़ी हुई है यहाँ पर। सारा कृष्णा ने अपनी ड्राइंग्स लगा ली यहाँ पर, सो क्यूट क्यूट ड्राइंग्स। ये सारी कृष्णा ने बनाई है, लड़की ने बनाई है, ये देखिए ये चेहरा दिख रहा है, इसी लड़की ने बनाई है, और ये का लुक देख ही लिया है। अब कृष्णा को घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और कृष्णा इसी घर में है, हम भी यहीं पर हैं। ये देखिए हम सभी ने कपड़े कर लिए हैं चेंज, और हम सब चल सोने। तो आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, सभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।